संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली द्वारा रविवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। ये परीक्षा दो सत्र में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक इंदौर के 37 केंद्रों पर हुई। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के लिए मोबाइल फोन, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह प्रतिबंधित रहा। परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में दर्शाई गई आईडी, ब्लैक बॉल पेन और 50 मिली सैनिटाइजर की पारदर्शी बोतल के साथ ही प्रवेश दिया गया। वहीं कोरोना महामारी के चलते मुंह पर मास्क सहित सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया गया। जी, कोरोना महामारी के समय पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। सामान के रखने की व्यवस्था भी पुस्तकालय में की गई थी और महामारी की तरफ से जो बच्चे थे उन्होंने भी पूरी यहाँ के प्रशासन ने भी पूरी मदद की और उनमें कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं। हाँ, कोई भी यहाँ पर जो डिवाइस के लिए था, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप नहीं ले जा सकते। यदि हाँ कोई ट्रांसपेरेंट बोतल है पानी की या हैंड सैनिटाइजर है वो आप अंदर ले जा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। और एग्ज़ाम ओवरऑल सही था, पर एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स का जो पार्ट रहा है और उसमें कुछ जो आपका उसका रहा है जो ज्योग्राफी का पोर्शन रहा उसने थोड़ा सा दिक्कत किया। बाकी एग्ज़ाम का जो पोर्शन था सभी में थोड़ा सा लगभग बराबर था, सभी पोर्शन अच्छे तरीके से दिए। आपका नाम? आकाश दुबे।